एक तरफ मुख्यमंत्री पंजाब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने लाइव होकर अपने कैबिनेट से बातचीत की तो वहीं पत्रकारों ने सवाल जवाब भी किए। दूसरी तरफ पंजाब के वन और सामाजिक न्याय अधिकारिता और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री साधु सिंह धर्मसोत पिछले 4 वर्षों में पंजाब सरकार की उपलब्धियों को उजागर करने के लिए जिला प्रशासनिक परिसर में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करने पटियाला पहुंचे और उनके साथ पटियाला की तमाम कांग्रेस लीडरशिप मौजूद रही। उन्होंने पटियाला की डेवलपमेंट पर बात की, वहीं कैप्टन सरकार के 4 सालों में किए हुए कामों का ब्यौरा भी दिया। उन्होंने दूसरी पार्टियों पर निशाना साधते हुए उनसे जवाब मांगा कि 10 साल सत्ता में रहते हुए उन्होंने क्या किया था। इसी के साथ जंगलात मंत्री साधु सिंह धर्मसोत से जब पत्रकारों ने सवाल किए तो वह किसी भी सवाल का सीधा जवाब न देते हुए बातों को घुमाने लगे और जब नकली शराब की फैक्ट्रियों की बात आई तो हल्का घनौर के MLA को अचानक क्रोध आ गया और उन्होंने उल्टे पत्रकारों से ही पूछ लिया कि जो फैक्ट्रियां पकड़ी गई हैं क्या यह मीडिया ने पकड़ी हैं? नहीं, यह कांग्रेस पार्टी और उनकी पुलिस ने पकड़ी हैं और इन सभी लोगों पर मामले दर्ज हुए हैं। इसी पर जब पत्रकारों ने सवाल किया कि यह मामले छोटी मछलियों पर दर्ज हुए हैं तो बड़े मगरमच्छ इन मामलों से कहीं दूर हैं, तब फिर मंत्री ने बात को घुमा दिया और हर तरफ पत्रकारों के सवालों से बचते नजर आए। और जिथे सब तो पहला मैं समझदा कि पूरे देश किसान मारू सरकार मोदी साहब दी और जिदे च किसान मजदूर आड़तिया शैलर मालक ट्रांसपोर्टर पिसे पए ने, और मैं धन्नवादी हाँ कि महाराजा कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री पंजाब दा जिन्हां ने विशेष सैशन बुला के इन्हां काले कानूनां नूं रद्द कीता है। ये छोटी गल नहीं, और हरियाणे वर्गे जिथे BJP का मुख्यमंत्री होवे उत्थे किसानां नूं रोकिया होवे, उन्हां ते कोई बदसलूकी कीती होवे, और जिवें पंजाब दा जट छाती ठोक के अपने बंदियां दी गल करदा है, और कैप्टन साहब ने कहा सी कौन हुंदा है, कौन हुंदा पंजाब दा मुख इत्थे हरियाणे दा मुख्यमंत्री जिहड़ा साडे किसानां नूं रोके। दिल्ली है सारी हिंदुस्तान दी राजधानी, ते सारयां नूं जाण दा हक है। ये वहां एक चीफ मिनिस्टर पूरे हिंदुस्तान कैप्टन अमरिंदर सिंह ने छाती तोड़ के किसानों को कहा सीगा। और दूसरी गल मैं थोनू कला कला दसागा कि 2017 जदों इलैक्शन हुई है, साड़ी पार्टी ने बतौर प्रधान महाराजा कैप्टन अमरिंदर सिंह उन्हां ने पंजाब के लोगों नाल वादे किए, और मैं समझदा कि एक एक वादा कैप्टन साहब ने पूरा ही किया है। और जे कोई नज़र नहीं आता तो सरदार प्रकाश सिंह बादल उन्हां दे नाल रहे BJP वाले जिन्हां ने पंजाब नूं 10 साल लुट्टिया ते कुट्टिया, मैं नहीं कहिंदा पंजाब दे लोग कहिंदे ने अहमद शाह अबदाली तो बाद जे किसे ने पंजाब नूं लुट्टण दा रिकॉर्ड तोड़िया ते बादल और BJP दी सरकार ने कीता, और वह अज सातों पुछदे ने कि इन्होंने 4 सालों कीता ही कख नहीं। पहला तो इन्हों मैं पूछना चाहना कि BJP नाल इन्हों की आड़ी रही है, और जदों काले कानून उत्थे बने ने और सरदार सुखबीर सिंह बादल की घरवाली बीबी उत्थे कैबिनेट की मिनिस्टर सी, उन्हें नाल रल के वो कानून बनवाए। और मैं नहीं कहता पूरा जग जहर है कि जदों पहली बारी कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा च बैठे ने साडे MLA साहब इस काले कानून का विरोध किया सी सुखबीर सिंह बादल होना ने बाहर विधानसभा से अपना सैशन वखरा अपने अपने MLA बना के कहिंदे जी कांग्रेस पार्टी ये जानबुझ के लोगों को गुमराह कर रही है कि ये काले कानून च इन्नी कोई माड़ी गल कोई नहीं है। तो अज वो लोग किहड़े मूंह नाल कहिंदे ने असीं किसानां दे राखे आ, भावें पानियां दी गल होवे ते भावें अज किसानी दी गल होवे, इक्को ही महान सपूत पंजाब दा महाराजा कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने छाती ठोक के अपनी कुर्सी की परवाह किए बगैर सेंटर नाल आडा लिया अपने हक्कां ते हमेशा जिवें खड़दे सी और खड़े ने। दूसरी गल वो कहिंदे ने कि इन्हां ने कीता कख नहीं, मैं पुछना चाहुंदा कि तुसी तां भाई 10 साल च किसानां नूं एक चवन्नी नहीं दित्ती, उन्हां वास्ते कीता कख नहीं,
जे महाराजा कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार ने अपने वित्त तो बाहर हो के कोविड की बीमारी हो भयानक बीमारी जिस हज़ार करोड़ रुपये सरकार नूं प्राप्त ना हुए होण फिर भी कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार 1000 करोड़ के करीब ना 4700 करोड़ 4700 करोड़ रुपया किसानों गरीब किसानों दिता है। भाई छजता बोले छाड़नी की बोले कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गरीब के किसान दिता है 4700 करोड़ रुपया। कनौर विखे 1100 एकड़ च आई टी पार्क स्थापित किया जा रहा है जिथे हज़ारां नौजवानों नौकरियां मिलनियां जिहड़े कहिंदे सानूं दिसदा नहीं नौजवानों नौकरियां कित्थे उत्थे नौकरियां हज़ारां लोक मिलनियां जे कुछ करोगे जे रस्ते वल किसे वल तुरोगे तां सफर निबड़ेगा। खरीदी खरीदी है जी 800 करोड़ जिन्हां ने वेची कांग्रेस ने खरीदी खरीदी है इन्हां ने पहलां वेच गए सी असीं खरीदी है 800 करोड़ दी। दूसरा पटियाला जिले च झोने की पराली नूं अग लाउण दी समस्या दे निजात पाउण लई पराली तो ब्रिक बनाउण दी नवेकली किस्म की स्कीम स्थापित की है। और बीड़ दसान नाभा विखे 12 करोड़ 40 लख रुपए की लागत नाल एक अति आधुनिक स्वदेशी पशु पालन का फार्म बनाया गया। इत्थे वसदी पंजाबी यूनिवर्सिटी नूं बजट च 90 करोड़ रुपए रखण के अलावा महाराणा प्रताप सिंह शहीद उधम सिंह चेयर और गुरदयाल सिंह चेयर बनाई जा रही है। इन्हों ने बंदे तो रखदाते यूनिवर्सिटी रख दो सैकड़े बंदे पैसा नहीं एक दिता 250 बंदा नजायज रखा गए पर 90 करोड़ रुपया कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उन्होंने दिता है जी। कांग्रेस पार्टी बिना पानी तो मौजे नहीं खोलती जो इलेक्शन आएगी फिर देखा। मैनू तो पता नहीं थोनू पता हो भाई इहदा कम तां मैनू कर्जा किन्ना माफ होया जी किसान जी किन्ना कर्जा माफ होया ਉਹਨਾਂ ਦਾ 4000-5000 ਦੇ ਕੋਲ ਨੇੜੇ ਤੇ 4700 ਕਰੋੜ ਇੱਕ ਹੋਇਆ 1700 ਕਰੋੜ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ 5-2 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਸਰ 90000 ਕਰੋੜ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1,15,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨ। देखो ये नहीं हालातों पर काबू करता असी कहते असी दिता है जेडे गल्लां मारदे उन्हें चवानी दी है हाँ देखो गल ये बैंक जेडे जे तुसी कहो पहला जे किसी ने कुछ किया दसो अकाली दल ने वादा नहीं करे कर रहे हैं फिर असी जवाब दे रहे हैं हुण फिर के बदड़ असी सारे कर दांगे टाइम लगदा टाइम सारे करांगे टाइम लगदा दूसरे प्रिंट मीडिया वाले आपा उनां नु नहीं सर टाइम लगदा करो गल एक एनवायरमेंट से कोई लास्ट क्वेश्चन कर लो जेड़ा कर लो नकली शराब टाइम लगदा हां जी नकली शराब फैक्ट्री मैं किसी देखी नहीं बनाई जो करेगा सो भरेगा कबीला तेरी चौंपड़ी गल के पास जो करेगा सो भरेगा जवाब समगलर साडे पंजाब दा है नहीं भाई कितने बादलों ने कितने पुराने पुराने टिकाने के लाए उन्होंने वक्री गल पंजाब च नहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह ने रहन दिता कुछ। We'll be right back.